Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss SST chapter 1 that is going to be categorized in history. So chapter 1 name is periods and sources. Basically in this chapter we are going to study about the different sources of the history and different time periods of different incidents. So let's start the chapter with the discussion of history. You know beta, what is history? History is the study of past. When we are getting many information related to the past times, that is history. और history में हमने देखा है, अरे भाई बहुत सारे rulers रहे, बहुत different types के जो है हमारे sources of information रहे. So history is a comprehensive study to know different aspects of life and how they changed over the time. हमें यही पता चलता है कि पहले के ज़माने में क्या कब कैसे होता था और समय के साथ साथ क्या क्या बदलाव आया है. सो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ मेजर जो इवेंट्स हुए हैं उनको समझने के लिए हमें उन्हें कुछ टाइम पीरियड्स और कुछ डेट्स में डिवाइड करना पड़ेगा. सो डेट्स एंड पीरियड्स की भी अपनी इम्पॉर्टेंस है. व्हेन वी स्पीक ऑफ हिस्ट्री सम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंशन द डेट्स. अगर हम कहते हैं कि भी भारत आज़ाद हुआ, हम ऐसे नहीं कह सकते ना सर्दियों में आज़ाद हुआ था, गर्मियों में आज़ाद हुआ था, कुछ सौ साल पहले आज़ाद हुआ था. नहीं, कुछ इवेंट्स के लिए वी नीड द डेट्स. तो उनकी डेट्स को रिकॉर्ड किया जाता है. लाइक इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1947. आपकी पर्सनल लाइफ में आप बहुत सारी डेट्स को याद रखते हो ना, कि मेरी बर्थडे ये है, मैंने 10th में इस साल एडमिशन लिया था. आप अपने आधार कार्ड पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवाते हो, आपका स्कूल एडमिशन फॉर्म है वहाँ पे आप मेंशन कराते हो. तो इसका मतलब आपको इन चीज़ों के लिए डेट की ज़रूरत होती है. लेकिन कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो इम्पॉर्टेंट तो होते हैं हमारी लाइफ में, लेकिन हमें उनकी डेट्स याद नहीं होती. ऐसी टाइम पीरियड में हम बता देते हैं, पता है मैंने चलना कब शुरू किया था, जब मैं एक साल की थी तब चलना शुरू किया था. बट आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट. मैंने साइकिलिंग कब स्टार्ट की थी जब मैं छोटा था, but I don't know the exact date. So events are sometimes important but we don't have the exact date for that events. So that's why dates and periods, they are important to categorize some events. It is important to know certain dates of important occurrence, for example when India became free or when our constitution came into force. So aise questions ke liye, aise events ke liye hame dates ki zarurat hoti hai. It is important to know certain years of important occurrence. Like the first war of independence occurred in 1857. Quit India movement took place in 1942. अब क्या है, यहाँ पर हमें ईयर पता है, एग्जैक्ट डेट हम नहीं कह सकते लेकिन ईयर तो हमने करेक्ट बताया है. इट इज समटाइम इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द अकरेंस ऑफ एक्सीडेंट्स और एनी इंसिडेंट्स एज रिलेटेड टू अनदर इंसिडेंट. फॉर एग्जाम्पल the revolutionary struggle for freedom when the national freedom movement under Gandhiji's leadership was in dormant state. तो हमने ये बता दिया, तो हमने क्या किया, एक time period बता दिया कि जब गांधी जी आए थे उन्होंने सत्याग्रह start किया ना, तब बहुत ज़्यादा जो है freedom movement आगे बढ़ा था. तो ये time period है. और the naval rating mutiny of 1946 had a great impact on our gaining freedom. हम कभी मतलब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ टाइम पीरियड बता देते हैं, ना एग्जैक्ट ईयर होता है हमारे पास, ना एग्जैक्ट डेट होती है. देन इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एस्क्राइब सर्टेन डेट्स और पीरियड अकरेंस नॉर द लेस दे अकर्ड. फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्टेड टेकिंग टी, पहली चाय मैंने कब पी होगी, वी कैनॉट से द डेट. इवन वी कैनॉट से द एग्जैक्ट ईयर when the people started taking tea, कौन से दिन से उन्होंने चाय पीनी शुरू हुई हमें नहीं पता. So we know the date and year when the first war of independence broke out, इसका हमें पता है. But we don't know how long the soldiers and people had been feeling against the British government, ये नहीं पता. तो कुछ इवेंट्स के हमें डेट्स और ईयर्स पता होते हैं, कुछ इवेंट्स के हमें नहीं पता होते तो हम टाइम पीरियड बता देते हैं, उस हिसाब से ड्यूरेशन बता देते हैं नियर बाय दैट. बट ओवरऑल वी नीड द डेट्स एंड पीरियड्स to know the importance of the incidents. अब बात करते हैं हम periods of history की. We can divide the entire period of history into the three periods. Number one is the ancient period, another is the medieval period and third one is the modern period. So ये तीन जो हैं ancient, medieval and modern,
they are very important period to study the history. Sometimes these periods are described as Hindu period, Muslim period and colonial period. Though it is wrong to categorize the Indian history like that. In this case, we shall study the modern period. It is also called the colonial period. आप जब आप class 8th में आ रहे हो ना बेटा, तो आप modern period को study करोगे. Because in class 6, we have studied about the ancient period. आपने 6th में ancient period पढ़ा, 7th में आपने medieval period history पढ़ी, अभी 8th में आप जो modern period history, जब India colonial था, colony था Britain की, उसके बारे में आप पढ़ेंगे. Now the modern period signifies our struggle for freedom and the whatever the changes took place in our society or at economic level or political level, jo changes aaye modern period mein uske bare mein diya jayega. Modern period started in Europe in about 15th century. Tab shuru ho gaya tha 15th century mein, when the process of modernization and industrialization has been started there. This period is deemed to have started in India. अब इंडिया में देखो कब हो रहा है, 15th सेंचुरी में यूरोप में स्टार्ट हो गया, बट इंडिया में ये 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ है मॉडर्न पीरियड. तो काफी पीछे हो गए हम यहाँ पर. हुआ क्या, इस टाइम पे ब्रिटिश ग्रैब्ड द पावर एंड सॉ द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट इंक्लूडिंग द फ्रीडम मूवमेंट, इंडिपेंडेंस एंड सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट इन द वेरियस फील्ड. सो द मॉडर्न पीरियड इज नियरर टू अस इन टाइम एंड वी हैव डायरेक्ट एविडेंस टू मैनी ऑकरेंस. यहाँ पर आप कह सकते हो बहुत सारा मतलब इंसिडेंट्स के, इवेंट्स के हमें डेट और टाइम पता है. द मॉडर्न पीरियड इन एडिशन टू डॉक्यूमेंट्री एंड आर्क्योलॉजिकल एविडेंस, वी हैव अकाउंट्स ऑफ आर फादर्स, ग्रैंड फादर्स हु हैव विटनेस विद देयर ओन आईज हाउ डिफरेंट द थिंग्स अनफोल्डेड. यानी कहने का मतलब ये है कि मॉडर्न पीरियड की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि यू आर हैविंग द लिमिटेड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे आपको आपके ग्रैंडफादर भी बता के जाएंगे या फादर भी बताएंगे उस पीरियड की कहानी. आपके फादर ने उनके ग्रैंडफादर से सुनी होगी, दोज हु वर आई विटनेस एट दैट टाइम. तो इस तरीके से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है. इफ़ यू स्पीक इन टर्म्स ऑफ द ईयर व्हेन द मॉडर्न पीरियड बिगेन, इट इज कंसीडर्ड फ्रॉम 1707. यहाँ से हम कह सकते हैं इंडिया का मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हुआ था. क्यों? द ईयर ऑफ द औरंगजेब्स डेथ. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ औरंगजेब. इनकी डेथ के बाद हमने मतलब ये माना कि अब मॉडर्न पीरियड स्टार्ट हो रहा है. ही वॉज द लास्ट मुगल एम्परर एंड ही वॉज द लास्ट ग्रेट मुगल एम्परर. हिज डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज स्टार्टेड द प्रोसेस ऑफ एम्पायर्स डिक्लाइन डे बाई डे. इतना एक्सप्लॉयटेटिव नेचर था, टॉलरेंस नहीं थे बिल्कुल रिलीजन को लेके, हर एक के साथ अपना रिलेशन जो है बिल्कुल गलत कर रखा था, सबके साथ इनका जो है कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, चाहे मराठाज हों, सिख हों, रोहिल्लास आपके हों, राजपूत हों, सबके साथ. और रिलीजियस टॉलरेंस तो बिल्कुल भी इनके अंदर नहीं था, इसलिए छोटे छोटे रिवॉल्ट, बड़े बड़े रिवॉल्ट या रिबेल्स जगह जगह हो रहे थे और धीरे धीरे जो मुगल एम्पायर था वो डिक्लाइन होना शुरू हो गया. सो दीज इवेंट्स इन्फ्लुएंस द कोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री लाइक नो अदर. मतलब एक बहुत बड़े साम्राज्य जिसे आप कहते हो मुगल डायनेस्टी, उसका एंड हो रहा था. सो आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब ना मुगल एम्पायर को एक तरीके से कहा जाता है कि एंड. द मॉडर्न पीरियड इज पैराडॉक्सिकल इन मेनी रिस्पेक्ट. व्हाइल इट सॉ द पुअर पीपल बिकमिंग पुअरर एंड पुअरर एंड पुअरर, ऐसा ये पीरियड था कि जो गरीब था वो गरीब गरीब और बदतर गरीब होता गया. फार्मर्स जो थे बहुत ज्यादा सफर कर रहे थे. ब्रिटिश जो थे वो पावर में आ चुके थे. पावर में आने के बाद वो ऐसे ग्लो करते गए कि जैसे एक सूरज जो उदय हो गया, कभी सेट ही नहीं हुआ. इट ऑल्सो सॉ द सनशाइन ऑफ इंडिपेंडेंस. फिर उन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ इस पीरियड में लड़ाई भी हुई, नेशनलिज्म की फीलिंग भी आई और उसी ब्रिटिशर्स को हमने हराया और भारत की आज़ादी का सूर्योदय भी हुआ. सो उसके बाद डेवलपमेंट और प्रोग्रेस स्टार्ट हुई डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मेडिसिन हो, लिटरेचर हो, साइंस हो. इसलिए मॉडर्न पीरियड की अपने आप में ग्रेट इम्पोर्टेंस है. अब न्यू ज्योग्राफिकल कैटेगरीज की अगर हम बात करते हैं बेटा, सो ड्यूरिंग मेडिवियल पीरियड ना देयर वॉज अ लार्ज मिक्स ऑफ रूलर्स. मेडिवियल पीरियड में तो बहुत
हिंदू भी मुस्लिम्स भी आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के रूलर्स मिल जाएंगे इंडिया में, दोज हु आर हैविंग देयर इन्फ्लुएंस इन देयर ओन रीजन, मतलब पॉकेट ऑफ इन्फ्लुएंस. ऑफ कोर्स द लार्जेस्ट इन्फ्लुएंस वॉज कमांडेड बाय द मुगल रूलर. जब मुगल आए तो उन्होंने तो बहुत बड़ा एम्पायर एक्सटेंड कर दिया था. आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश द इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल अदर रूलर्स स्टार्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली. उनके अराइवल के बाद तो बेटा मेडिवल पीरियड के जितने भी राजा रहे धीरे धीरे उनकी पावर खत्म होने लग गई. मेन पर्पज ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू अर्न ओनली एंड ओनली प्रॉफिट्स. इनका मकसद ही यही था फ्रॉम द इंडियन टेरिटरी, सिर्फ प्रॉफिट कमाना, क्योंकि उनके लिए हम सिर्फ कॉलोनी थे और वो अपनी मदर कंट्री को फीड करना चाहते थे. सो दे सर्वेड द डिफरेंट डिफरेंट रीजन एंड हाउ दे कुड एक्सप्लॉइट. एक किसी देश को आप कॉलोनी बना रहे हो तो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका ज्योग्राफिकल एरिया पूरा पता होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन है, कितने रिसोर्सेज हैं, कितना लैंड है, क्या उगता है क्या नहीं उगता है, क्या इंडस्ट्रीज हैं, कौन सी फर्टाइल एरिया है, कहाँ पे रिवर है, कहाँ प्लेटी है, कहाँ मिनरल्स है, एक्सेट्रा. एवरीथिंग दे एनालाइज माइन्यूटली एंड स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट, एंड स्पेशली दे स्टार्टेड टू एक्सप्लॉइट द फर्टाइल एरिया नियर बाय द रिवर वैली. द ब्रिटिश एक्सट्रैक्टेड द मिनरल लॉट्स ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द प्लेट्यू रिवर एंड यूज फॉर देयर बेनिफिट ऑल्सो. They evicted the tribal people from the forest. और forest को deforest करके उन्होंने उसे cultivable land में करना शुरू कर दिया. तो आप देखो geography कैसे change हो रही है इंडिया की. Mineral resources जो plateau region अच्छा खासा है उसको over exploit कर रहे हैं, hilly area को exploit कर रहे हैं, tribal communities को forest से निकाल के forest खत्म कर रहे हैं, उसे cultivable land में change कर रहे हैं. So with a change in the situation, many new places came into the significance. Like उन्होंने क्या किया, पहाड़ों में कटिंग करके जो है हिल स्टेशन बनाने शुरू किए, शिमला मसूरी देहरादून, कंटोनमेंट एरिया बनाने शुरू की अपने सोल्जर्स के लिए मेरठ अम्बाला वेल्लोर. सिमिलरली सम प्लेसेज रिसीडेड इंटू द इनसिग्निफिकेंस सच एज सिटीज ऑफ आपकी कासिम बाजार एंड नागापट्टनम, इनकी वैल्यू डाउन कर दी, दूसरे ही इन्होंने इस्टेब्लिश कर दिए पोर्ट टाउन. अब हमें ये बातें कैसे पता चलेंगी, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द मॉडर्न पीरियड. देयर आर टू सोर्सेज ऑफ मॉडर्न पीरियड, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. इसमें हमने कैटेगराइज किया है प्राइमरी सोर्सेज एंड एज वेल एज सेकेंडरी सोर्सेज. प्राइमरी सोर्सेज की बात करें तो टू नो द हिस्ट्री आर दोज विच डायरेक्टली इंडिकेट डिफरेंट अकरेंसेज ऑफ द डेवलपमेंट. लाइक गवर्नमेंट है, उन्होंने सर्वे किया तो सर्वे रिपोर्ट लिख दी, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ने जो बिल्डिंग्स बनाई हैं उससे हमें पता चल रहा है, ये आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स हैं, पेंटिंग्स हैं, बुक्स हैं, कॉइन्स हैं, पोस्टल स्टैम्प्स हैं. तो ये सारे हमारे प्राइमरी सोर्सेज हैं इस पीरियड को जानने के लिए. अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सेकेंडरी सोर्सेज. सेकेंडरी सोर्सेज जो हैं वो इंडिकेट करते हैं इन द डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव सच एज वर्क्स एंड बुक्स ऑन हिस्ट्री. जो बुक्स लिखी गई हैं विच आर बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ प्राइमरी सोर्सेज. इन एडिशन प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं आपके, न्यूज़पेपर हैं, आर्टिकल्स हैं या रिपोर्ट राइटिंग है या रिव्यूज़ लिखे गए हैं, लॉग बुक्स हैं आपकी शिप्स की, इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. तो ये हमारे सेकेंडरी सोर्सेज हैं. अब ये जो सेकेंडरी और प्राइमरी सोर्सेज हैं इससे हमें मॉडर्न पीरियड के बारे में पता चल रहा है. तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडर्न पीरियड सॉ द डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी ऑल्सो. और प्रिंटिंग आने के बाद तो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना इजी हो गया. सो दिस इज द रीजन लॉट ऑफ लिटरेरी रिकॉर्ड्स वर क्रिएटेड ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो अब हम लिटरेरी सोर्सेज की भी बात कर लेते हैं. लिटरेरी नाम से ही पता चल रहा है, इंक्लूड द बुक्स. अब बुक्स फैक्ट पे भी बेस्ड हो सकती हैं, फिक्शन पे भी बेस्ड होती हैं, ठीक है. एंड अदर प्रिंटेड रिकॉर्ड भी होते हैं, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, न्यूज़पेपर आर्टिकल, प्राइवेट रिकॉर्ड, डायरीज हैं, ट्रेवलॉजेज हैं, लेटर्स हैं, ये हमारे लिटरेरी सोर्सेज हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे बुक्स की. मॉडर्न पीरियड में बहुत सारी बुक्स जो हैं प्रिंट हुई हैं, फैक्ट पे भी और फिक्शन पे भी. डिस्पाइट द फैक्ट दैट ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड आर एजुकेशनल सिस्टम, फिर भी बहुत सारी बुक्स आई मार्केट में एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड. And because of these books, we reconstruct our history of modern time. A fiction book may be an imaginative drama, yet
It also invariably refers to contemporary events, which help in authenticating the correlating different sources of history. बेशक उन्होंने फिक्शन पे लिखा, इमेजिनरी लिखा कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो उस समय की कोई ना कोई स्टोरी को रिवील कर रहे थे। अच्छा, जो सब्जेक्ट्स अलग अलग बुक्स में मेंशन किए गए, जिन पे बुक्स लिखी गई, वो थे आपके मेडिसिन, मैथमेटिक्स, साइंस, लिटरेचर, हिस्ट्री, म्यूजिक, डांस, ड्रामा, नॉवल, स्टोरी, हर सब्जेक्ट को टच किया गया बुक्स में। आप देख सकते हैं प्रोमिनेंट राइटर्स ऑफ इंडिया, आपको प्रेमचंद जी दिए गए हैं, सुब्रमण्यम भारती दिए गए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, जवाहरलाल नेहरू जी। बुक्स के बाद जो हमारा सोर्स आता है लिटरेरी, दैट इज न्यूज़पेपर, मैगजीन, पीरियोडिकल्स एंड जर्नल्स। प्रिंटिंग फैसिलिटीज हेल्प दीज ऑल्सो टू पब्लिश देयर आर्टिकल्स। पीरियोडिकल हो गए, लिटरेचर लाइक न्यूज़पेपर है, मैगजीन, जर्नल्स, ये इंग्लिश में और वर्नाक्युलर लैंग्वेज, वर्नाक्युलर मतलब डिफरेंट लोकल लैंग्वेज में भी प्रिंट होते थे, तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री का। देन लॉज एंड गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स जो हैं, उससे भी हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि होता है क्या, द ब्रिटिश पब्लिश द गैजेट विच इंक्लूड नॉट ओनली द सर्वे बट ऑल्सो रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स दैट अकर्ड एट दैट टाइम, तो उससे हमें बहुत कुछ मिल जाता है। दे फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ नॉलेज ऑफ अबाउट द लैंड या प्लेस या क्रॉप्स, पॉपुलेशन, लाइफ स्टाइल, रिलीजन एक्सेट्रा। दे ऑल्सो मैंशन द इम्पॉर्टेंट अक्रेंस ऑफ द पीरियड, उस समय क्या हुआ था उसको भी लिखा उन्होंने, कौन सी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बनाई थी उसको भी लिखा। तो ये जो गैजेट्स हैं ये भी हमारे काम के हैं, इनसे हमें बहुत सारी नॉलेज मिलती है। आपको पता है बेटा, द इम्पॉर्टेंस ऑफ दीज सोर्सेज कैन बी गॉस फ्रॉम द फैक्ट दैट आर्चीव्स हैव बीन बिल्ट टू प्रिजर्व रिकॉर्ड। इससे आपको पता चल रहा है, यह फोटो देख सकते हो, नेशनल आर्चीव्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में है और यहाँ पे ये सारे रिकॉर्ड्स इस आर्चीव में प्रिजर्व करके रखे गए हैं। आप समझ लो कितने इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। देन प्राइवेट रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, द डायरीज, ट्रेवलॉजेस हो गए, लेटर्स हो गए, ये आपके प्राइवेट रिकॉर्ड्स हैं। इन एडिशन टू द रिकॉर्ड्स क्रिएटेड बाय द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट पीपल, लाइक INC के अपने रिकॉर्ड थे, मुस्लिम लीग के अपने हैं, दे ऑल्सो प्रोवाइड द एविडेंसेस, द प्रूफ ऑफ दैट टाइम्स। अब इसके बाद चलते हैं हम अदर सोर्सेज पे। अदर सोर्सेज की बात करें तो इसमें हमारे आ जाती हैं बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। लार्ज नंबर ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स रिवील द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट पीरियड। मॉडर्न पीरियड में भी बहुत सारी बिल्डिंग्स को बनाया गया था। मेनी ऑफ द बिल्डिंग्स आर स्टिल इन द गुड शेप, सच एज राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, विक्टोरिया मेमोरियल, गेटवे ऑफ इंडिया, सेंट जॉर्ज फोर्ट, विलियम फोर्ट। ये बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग है उस समय की जो उस समय के आर्ट, आर्किटेक्चर स्टाइल को या अदर स्टोरी को रिवील कर रही है। आफ्टर दैट वी आर हैविंग द वर्क्स ऑफ आर्ट एंड मिसेलेनियस सोर्सेज। मिसेलेनियस मतलब मिक्सचर। अब इसमें क्या, वर्क्स ऑफ आर्ट हो गया, कॉइन मिल गया, पोस्टर स्टैम्प है या फोटोग्राफ हो गई या कोई रिकॉर्डिंग हमें मिल गई, इससे भी हमें उस कंटेम्प्रेरी टाइम का रिकॉर्ड मिलता है। देन फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स। अरे वाह, ये तो आपका आता ना, गाँव में जाओ, फोक टेल्स सुनो, दादी नानी की कहानियाँ, ये भी आपको फोक ट्रेडिशन का या उस समय के कंटेम्प्रेरी इवेंट्स के बारे में जानकारी देते हैं। बिकॉज ऑफ देम वी वुड हैव नेवर नोन अबाउट मैनी ऑफ आर कैरेक्टर्स, लाइक हमारे ग्रेट लीडर्स हैं, महाराणा प्रताप हो गए, रानी लक्ष्मीबाई हो गए, छत्रसाल हो गए, दे आर अलाइव बिकॉज ऑफ दीज फोक टेल्स एंड सॉन्ग्स। बेटा हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे पहुँचे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ना प्राउड फील होता है, अच्छा महाराणा प्रताप इतने ब्रेव थे और उनका घोड़ा चेतक उनसे भी ज़्यादा ब्रेव था। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हमने सुना हुआ ना, ये फोक सॉन्ग सुनते रहते हैं, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये फोक टेल्स और सॉन्ग्स जो हैं इन कैरेक्टर्स को अलाइव रखते हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ सोर्सेज की बात करें सो देयर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। हमेशा देखो, हमें ना कुछ सोर्सेज दिखते हैं, हम उसको देखते हैं, हमें लगता है अच्छा ऐसा नहीं, हमेशा एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, सो एनालाइज करना सीखो। ऑफन डिफरेंट हिस्टोरियन इंटरप्रेट द सेम सोर्स डिफरेंटली। एक ही सोर्स है, एक हिस्टोरियन कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, आप अपने आप को ही देखो, एक टॉपिक पे आप कुछ बोलोगे, दूसरा बच्चा कुछ तरीके से बताएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, वन हिस्टोरियन डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश रूल वॉज गुड फॉर इंडिया। देखा भाई अच्छा था, बिकॉज लॉट ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज, रेलवे है, टेलीग्राफ है, ब्रिज है, डैम है, कैनाल है, वो इंट्रोड्यूस करके गए इंडिया को, तो उनके लिए तो अच्छा हो गया। ऑन द अदर हैंड, अदर हिस्टोरियन इंटरप्रेट करता है सेम सोर्सेज को, नो, ब्रिटिश डिस्ट्रॉयड एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया,
नए नए कानून ले आए, पुराने कानूनों को तोड़ दिया, एक्सप्लॉइट आर नेचुरल रिसोर्सेज, इम्पोज हैवी टैक्स ऑन अस, डिस्ट्रॉयड आर क्राफ्ट इंडस्ट्री एक्सेट्रा, हमें बिल्कुल कहते ना वर्स्ट लेवल पे लाके छोड़ दिया। तो आप देखो उन्हीं सोर्सेज को स्टडी करके एक कह रहा है कि ब्रिटिश रूल वॉज गुड एंड अदर इंटरप्रेट एज अ ब्रिटिश रूल वॉज वर्स्ट। सो इन द व्यू ऑफ द टू कॉन्ट्रास्टिंग व्यू, इट वुड बी प्रॉपर फॉर अस टू इंटरप्रेट द सोर्सेज हिस्टोरिकली होलिस्टिकली so that we can understand history in the right manners, right perspective and not be swayed by the other particular ideology. Hamesha dhyan rakho, dusre ki ideology se nahi chalna hai. Now we will discuss the important facts what we have understand in this chapter. History, it is a comprehensive study to know about the different aspects of the life over the time. Dates and periods are very important. The modern period started in India with the death of Aurangzeb and marks the development of industrialization and modernization. After that, we have discussed British exploited the India and its people in various ways. After that, we have also discussed sources of the modern period can be divided into primary and secondary sources. And last but not least, it is very important that historical occurrences are interpreted in a holistic manner. We need to analyze each and every events. So that's end for the chapter. I hope you understand each and every concept. Now it's your turn. Do the exercise carefully.